स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल बेसिकली क्या है? जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट विच ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड, इन्हीं से सभी प्रकार के जीव जंतुओं के शरीर बने होते हैं और बाद में भी इन्हीं के द्वारा सभी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं। चार प्रकार के होते हैं बायोमोलिक्यूल। पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर लिपिड हैं, तीसरे नंबर पर न्यूक्लिक एसिड, चौथे नंबर पर हैं प्रोटीन। इसमें दो चीज़ें आपको समझना जरूरी है, मोनोमर या एक लक और पॉलीमर मतलब बहुलक। मोनोमर का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट बेसिक सब यूनिट, सबसे छोटी इकाई, पॉलीमर की सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा ये पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड रिपीटिंग यूनिट दैट मेक अप द बायोमोलिक्यूल, छोटी छोटी कई इकाइयाँ आपस में मिलकर पॉलीमर बनाती हैं, तो एक इकाई को मोनोमर कहते हैं और बहुत सारी इकाइयाँ आपस में मिलकर पॉलीमर कहलाती हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर मोनोसैकेराइड होते हैं और ये मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर रहते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। जबकि दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर डाईसैकेराइड बनाते हैं। डाईसैकेराइड के उदाहरण हैं फ्रक्टोज लैक्टोज। फ्रक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज जो है वो डाईसैकेराइड बनता है। गैलेक्टोज ग्लूकोज और लैक्टेज दो मोनोमर से मिलकर बना होता है। इसके पॉलीमर जो हैं वो पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, या तो होमोपॉलीमर जो एक जैसे मोनोमर के द्वारा बनते हैं, या फिर हेट्रोपॉलीमर जो अनेक प्रकार के पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। कई प्रकार के मोनोमर आपस में मिलकर जिस पॉलीमर को बनाते हैं वो हेट्रोपॉलीमर कहलाता है। यहाँ पर स्टार्च जो कि पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाला एनर्जी का स्टोर हाउस है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च आलू में, चावल में उपस्थित रहता है और गेहूँ में भी। फंक्शंस क्या हैं? मोनोसैकेराइड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे सेल के अंदर सबसे तेज़ी के साथ ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड प्रोवाइड सेल विद मोर इंटरमीडिएट एनर्जी, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी यदि हमको तुरंत चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या डेक्सट्रोज के रूप में ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि व्हाई डू यू थिंक पीपल से दैट व्हीट इज़ बेटर देन वाइट फ्लोर और शुगर, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि व्हीट में कंप्लीट ग्रेन रहते हैं, फाइबर भी रहते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और पचने में आसानी रहती है, जबकि जो मैदा रहती है वाइट फ्लोर वो पचने में थोड़ी सी उसमें परेशानी रहती है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का आप देखिए मोनोमर का स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, ये ग्लूकोज है जिसमें C6H12O6 इसका फार्मूला रहता है। दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर C12H22O11 ये जो फार्मूला रहता है ये सुक्रोज का है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर लैक्टोज शुगर बनाते हैं। जब ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं तो उसे हम स्टार्च कहते हैं, और ये डेक्सट्रोज है जो कि बीमार व्यक्तियों को बोतल में चढ़ाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। हम लिपिड की बात करते हैं। लिपिड के मोनोमर जो हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होते हैं। जब भी लिपिड टूटता है डाइजेशन में तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, क्योंकि इसके मोनोमर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही रहते हैं। और इसका पॉलीमर जो है फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ यदि फॉस्फोरस है तो फॉस्फोलिपिड कहलाएगा, ठीक है, यदि लिपिड के साथ ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। ऑयल और फैट दो प्रकार के रहते हैं, कुछ सैचुरेटेड और कुछ अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन कार्बन की जो वैलेंसी रहती है हाइड्रोजन के द्वारा पूरी तरह से रहती है, उनको सैचुरेटेड बोलते हैं, और एक कार्बन के साथ चारों वैलेंसियों पर हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ये सैचुरेटेड रहते हैं। अनसैचुरेटेड जो हैं उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो अनसैचुरेटेड रहते हैं, जिनको हाइड्रोजनेशन क्रिया के द्वारा हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से ये फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे वनस्पति घी। फंक्शंस की बात करें तो लिपिड्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड
हमारी सेल मेम्ब्रेन का बाहरी हिस्सा बनाने के काम आते हैं। दो लिपिड की लेयर रहती है, बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं। इस तरह से लिपिड प्रोटीन लिपिड ट्राई लेयर जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन की रहती है। ऑयल एंड फैट प्रोवाइड ए सेल विद सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी, लंबे समय के लिए तुरंत एनर्जी का काम तो ग्लूकोज के द्वारा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। लेकिन यदि आप लंबे समय तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, तो लिपिड जो आपके शरीर में स्टोर है ये एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, लिपिड में ये जो सिरा रहता है इसको हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ये कोलिन है, ये जो फार्मूला है ये कोलिन का फार्मूला है। ये फॉस्फेट का फार्मूला है जिसमें पी के साथ चार ओ जुड़े हुए हैं, पी ओ फोर। ये ग्लिसरॉल है जिसमें CH2OH, CHOS, CH2S, तीन कार्बन वाला ये जो है ये ग्लिसरॉल कहलाता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की साथ कार्बन जो है जुड़े रहते हैं। ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक टेल है, ये पानी से दूर होने वाली टेल है। ये वाली जो है वो फैटी एसिड चेन हाइड्रोफोबिक। और ये जो पोलर ग्रुप रहते हैं इसका मतलब इनमें प्लस और माइनस चार्ज रहते हैं, जिसके कारण ये पानी में घुल सकते हैं, इसीलिए इसको पोलर एंड कहा जाता है। बीच में फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल है। तो फॉस्फेट, ग्लिसरॉल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर ये क्या बना देते हैं, फैट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है पोलर, ठीक है, हेड है यानी पानी में वाटर लविंग बोल सकते हैं इसको। और ये जो नॉन पोलर टेल है ये हाइड्रोफोबिक रहती है, ठीक है। और बीच बीच में ये प्रोटीन भरे रहते हैं जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलकर पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डीएनए, आरएनए। और ये सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और साथ ही ये प्रोटीन फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो पूरी प्रोटीन मेकिंग मशीनरी जो रहती है वो सब की सब न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। यहाँ ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर ये आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, और जब इसमें ये फास्फेट ग्रुप और जुड़ जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे चेन आपस में जुड़ जाती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, तो इसको हम डीएनए कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड है जिसमें शुगर और नाइट्रोजन बेस हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड है जिसमें साथ में फॉस्फेट भी जुड़ गया है। तो इस तरह से ये सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड है, और इसके साथ जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जाते हैं, इसको हम प्रोटीन चेन कहते हैं। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के मोनोमर जो है अमीनो एसिड्स रहते हैं। अमीनो एसिड में एक कार्बन में COOH भी पाया जाता है साथ में, और एक तरफ NH2 भी पाया जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम अमीनो एसिड कहते हैं। यहाँ पर R जुड़ा रहता है और यहाँ पर H जुड़ा रहता है। तो इस R के स्थान पर यदि H है तो इसे ग्लाइसिन अमीनो एसिड कहते हैं, यदि CH3 है तो एलेनिन अमीनो एसिड कहते हैं। इस तरह से R के स्थान, एल्किल ग्रुप के स्थान पर कोई भी साथ में समूह जुड़ जाता है तो अमीनो एसिड उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। COOH जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके बगल में यदि एक और कार्बन होगा तो ये बीटा कार्बन कहलाएगा। इसके बगल में एक और कार्बन होगा तो ये गामा कार्बन कहलाएगा। तो COOH के पास पाए जाने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसी तरह ये अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड या गामा अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं प्रोटीन के? प्रोटीन हमारे शरीर में सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, यानी शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है उसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। हमारी बॉडी में लगातार कहीं ना कहीं टूट फूट होती रहती है, उसकी रिपेयरिंग
प्रोटीन के द्वारा होती हैं। ये डीएनए आरएनए को फिजिकल एक्सप्रेशन में भी व्यक्त करते हैं, यानी डीएनए आरएनए से ही प्रोटीन बन जाता है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, और ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज कर देते हैं, बहुत तेज़ी के साथ जो है रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। इनका एक एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन के रूप में दिया हुआ है। एक प्रोटीन है हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें आयरन भी पाया जाता है जो इसका सेंट्रल मॉलिक्यूल बनाता है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर आप प्रोटीन की देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये आपस में छोटे छोटे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक एक मोती जो है एक अमीनो एसिड को शो करता है, ठीक है। तो ये एलेनिन अमीनो एसिड है जिसमें आर के स्थान पर CH3 जुड़ा हुआ है। ये वेलिन अमीनो एसिड है जिसमें आर के स्थान पर CH3 CH3 CH जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये ल्यूसिन अमीनो एसिड है जिसमें ये 5 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये आइसोल्यूसिन है, फिनाइल एलेनिन है और प्रोलिन है। टोटल 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिनमें से 10 एसेंशियल हैं जो हमें भोजन में बाहर से लेना पड़ते हैं और 10 जो है वो नॉन एसेंशियल रहते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में अपने आप यानी एसेंशियल अमीनो एसिड से स्वयं बन जाते हैं। जिस तरह की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन हमें हमारे शरीर में बन जाता है, उसी तरह नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बन जाती है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, हमारे RBC में पाई जाती है। ये दो चेन रहती है, एक बीटा चेन और ये अल्फ़ा चेन। अल्फ़ा चेन बीटा चेन में बीच बीच में ये आयरन मॉलिक्यूल हीम ग्रुप के रूप में ये जुड़ा रहता है। इस तरह से ये एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।